नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 10। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊँ। गजाधर की निर्दयता से भी उसे इतना दुख न हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं। अपने घर के सिवा अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं। मुझे दूसरों की चिरौड़ी करने की जरूरत ही क्या? क्या मेरा घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी? दो चार दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप ही चली जाती। ओह नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे इनके घर में भूल कर भी न आना चाहिए था। मैंने अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी। वह अपने मन में न जाने क्या क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? वह अब मुझे कदापि घर में न घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक न सुनी। जब रात को केवल कई घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे वही पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई जहां मुझे आना चाहिए था। वह तो अब मुझे दूर ही से दुत्कार देंगे। यह दुत्कार क्यों सहूं? कपड़ा भी सीऊंगी तो खाने भर को मिल जाएगा, फिर किसी की धौंस क्यों सहूं? इनके यहां मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी, और लोक लाज से वह मुझे रख भी ले तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चल कर एक मकान ठीक कर लो। बोली, क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतना भी दया न करेगी? अमोली, चली जाऊं तो कैसे हो? लेकिन वहां पर कौन बिठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है, मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने न देंगी, छेद छेद कर मार डालेंगी। चलू भोली से कहूँ, देखू क्या कहती है। कुछ न कुछ तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। वह निश्चय करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती जाती थी कि कहीं गजाधर ना आता। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहाँ क्यों जाऊं? किसी पड़ोसिन के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुलाया। सुमन चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गई। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श मसनद चित्रों और शीशों के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान रखा हुआ था, दूसरी चौकी पर चांदी की तस्तरी और चांदी का एक ग्लास रखा हुआ था। सुमन यह सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने पूछा, आज यह संदूकची लिए इधर से कहाँ जा रही थी? सुमन, यह राम कहानी फिर कहूंगी। इस समय तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग से एक छोटा सा मकान ठीक करा दो। मैं उसमें रहना चाहती। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों? क्या शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन, नहीं, लड़ाई की क्या बात है, अपना जी ही तो है। भोली, जरा मेरे सामने तो ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है। क्या बात हुई? सुमन, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं। अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो क्यों रहे? बोली, अरे तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं, किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन, बिगड़ने की बात नहीं है, जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? बोली, तुम लाख छिपाओ, मैं तार गई। सुमन, बुरा ना मानो तो कह दूँ, मैं जानती थी कि कभी ना कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोरी और लड्डू टट्टू जुट सकते हैं? तुम्हें तो किसी घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़ी एक खुसट के जो तुम्हारे पैर धोने के लायक भी नहीं है। तुम ही हो कि वो निभा रही हो, दूसरी होती तो मियाँ पर लात मारकर कभी की चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो मैंने अब तक सोने की दीवार खरीद कर ली होती। अगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। बोली, 2-3 साल की और कसर रह गई,
इतने दिन अब और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमें ज़िंदगी का लुत्फ कैसे उठाना चाहिए। हमें कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि माँ बाप जिसके गले मर दे बस उसी का हो कर रहे। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता। यह बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरत को इतना जलील समझते हैं, नहीं तो और सब मुल्कों में औरतें आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं और जब उससे रास नहीं आती तो तलाक दे देती हैं। लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटे चले आ रही हैं। सुमन ने सोच कर कहा, क्या करूं बहन, लोक लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे बुरा मालूम होता है। बोली, यह सब उसी जिहालत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसकी यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत ने मुझे नफरत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी का कुछ मजा ही न मिला तो उससे फ़ायदा ही क्या। मुझे पहले भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकलने की देरी थी। फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया, बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यही यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में अपना इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारे में मेरे मुजरे होते हैं, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं, इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं। अभी एक आदमी भेज दूं तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवे। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे तो समझा करे। सुमन, भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा। बोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा, यहाँ गाने को कौन पूछता है। ध्रुपद और तिल्लानी की जरूरत ही नहीं, बस चलती हुई गजलों की धूम है। 2-4 ठुमरिया और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं और बस, फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मज़ेदार बातें चाहिए, सो खुदा ने यह दोनों बातें तुम में कुट कुट कर भर दी। मैं कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही बुरा मालूम होता है कि। बोली, हाँ हाँ कहो, यही कहना चाहती हो कि ऐरे गैरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बाद को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ ऐरे गैरों को आने की हिम्मत ही नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है तब तो तबीयत आप ही आप उससे मिल जाती हैं और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता, लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत ना मिले तो उसे बातों में लगाए रहो, जहाँ तक हो उसे नोचते खसोटते रहो, नोचो खसोटो, आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा, उसके दूसरे भाई और फंसेंगे, फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है, क्या सौहर से नहीं होती। जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है उसी तरह यहाँ होती है। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान तो ठीक कर दो। भोली ने ताड़ लिया कि मछली चारा कुतरने लगी। अब शिस्त को कहा, करने की ज़रूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन, तुम्हारे साथ ना रहूँगी। बोली, बदनाम हो जाओगी क्यों। सुमन झेप कर, नहीं यह बात नहीं है। बोली, खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन, तुम तो हंसी उड़ाती हो। बोली, फिर क्या, पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे। सुमन, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। सुमन के पास जब भी भोली को जवाब देने के लिए कोई दलील न थी। भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था, जबकि अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक घृणा होती है वह उसके हृदय को डावाडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में न कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल देखकर ललचाता है, पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो, मैं अभी अपने मामा को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन, यही 2-3 रुपये। बोली, और क्या करोगी। सुमन, सिलाई का काम कर सकती हूँ। बोली, और अकेली ही रहोगी।
सुमन, हाँ और कौन है? बोली, कैसे कैसी बच्चों की सी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है? भला अकेले घर में एक दिन तेरा निभा होगा, दीन दहारे आबरू लूट जाएगी। इससे तो हजार दर्जे यही अच्छा है कि अपने शौहर ही के पास चली जाओ। उसकी तो सूरत देखने को जी नहीं चाहता, अब तुमसे क्या छुपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था। उसका स्त्री मुझसे प्रेम रखती है, उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और 12-1 बजे तक मुझे आने न दिया। तब तुम्हारा गाना हो चुका था, मैं घर आई, बस इतनी सी बात पर वो इतने बिगड़े कि जो कुछ मुंह में आया बकते रहे, यहाँ तक कि वकील साहब से पाप भी लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत न दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्न किया, रोई, पैर पड़ी, पर उन्होंने घर से निकाल दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है? वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला, उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन, और सब दुख था पर यह संतोष था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिक मुंह में लग गई, अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े मगर उस घर में ना जाऊंगी। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आई। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा पहले हाथ मुंह तो धो लो, डालो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। सुमन, यहाँ पानी मिल जाएगा? भोली ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा कहार हिंदू है, यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं, उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है। भोली की बूढ़ी मामी सुमन को गुसलखाने में ले गई, वहाँ उसने साबुन से स्नान किया। तब मामी ने उसके बाल गूंथे, एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए लाई। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोली, जरा जाकर आईने में मुँह देख लो। सुमन के सामने गई, उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी। लज्जा युक्त अभिमान से मुख कमल खिल उठा और आंखों में नशा छा गया, वह एक कोच पर लेट गई। भोली ने अपनी मामी से कहा, क्यों जहुरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे जेब में। जहुरन बोली, तलवे सहलाएंगे, तलवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयाँ लाया, सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख छोड़कर अंधेरी के कोठरी में क्यों रहूं? भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो क्या कह दूं? सुमन ने कहा, कहला देना कि यहाँ नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया, उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्र दास जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर भ्रमण की हाथी मडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए अपने हाथों से नहीं लेता, संकोचवश कहता है इसकी क्या जरूरत, लेकिन जब रुपए उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 10। धन्यवाद।